तो फाइनली A52s 5G के लिए सैमसंग ने एंड्रॉयड 13 बेस्ड बनी वाई 5.0 का स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूँ इसी अपडेट के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक, 90 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली सैमसंग ने आज 29 नवंबर 2022 को साउथ कोरिया में A52s 5G के लिए जो स्टेबल एंड्रॉयड 13 बेस्ड वन यूआई 5.0 का अपडेट है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस अपडेट में हमें अक्टूबर 2022 का सिक्योरिटी पैच है जो कि थोड़ा पुराना सिक्योरिटी पैच है। तो फाइनली अब A52s 5G के लिए भी अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, और बहुत ही जल्द सैमसंग A52s 5G के लिए इंडिया में भी स्टेबल अपडेट रोल आउट करने वाला है सैमसंग, जो कि जो अपडेट है वो हो सकता है कि हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाए, क्योंकि टेस्टिंग लगातार चल रही है। आज भी सैमसंग ने टेस्टिंग की है A52s के ऊपर, और यहाँ पर लगातार टेस्टिंग भी कर रहा है हर रोज। तो बहुत ही जल्द अपडेट मिलने वाला है, और हो सकता है कि आपको 8 दिनों के अंदर ही जो स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिल जाए A52s 5G के लिए। बाकी फीचर्स की बात करें तो सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, इसके अलावा कुछ नए ऑप्शंस ऐड किए गए हैं सेटिंग्स में, जैसे कनेक्टेड डिवाइसेस का, मोड्स एंड रूटीन्स का, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। इसके अलावा एडवांस्ड फीचर्स में जो लैप्स ऑप्शन देखने को मिलता है उसमें दो नए जेस्चर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू, स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन व्यू। तो काफ़ी सारे नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं दोस्तों, तो वेट कीजिए, बहुत ही जल्द अपडेट आने वाला है। तो जैसे ही अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।